ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। हमें सेक्युलरिज्म का पाठ मत पढ़ाओ। राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना देना सेक्युलरिज्म नहीं कहलाता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक संबोधन के दौरान कहा कि हम हिंदू हैं, हमें सेक्युलरिज्म का पाठ मत पढ़ाइए। उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा है कि ये देश हिंदुओं का है और देश हिंदुओं की तरफ रहेगा। उन्होंने कहा यह सेक्युलरिज्म की भाषा हमें मत सिखाओ, हमें आपसे सेक्युलरिज्म की भाषा नहीं सीखनी। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और ये सिद्धांत विश्व को हमने दिया है। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई राम मंदिर को तोड़कर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगा। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि इसे सेक्युलरिज्म नहीं कहा जाता। उन्होंने ये बातें छत्तीसगढ़ में एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को दिल से प्यार करते हैं, इसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। वहां मौजूद जनता से उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह प्रदेश आपके लिए बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा के लिए इस प्रदेश का सम्मान माँ बेटे का है। वहां मौजूद जनसभा में ये भी कहा कि आप लोग माँ हैं और भाजपा आपका बेटा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा ही हमारा संकल्प है। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एनसीपी के संस्थापक अशरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को लेकर इसराइल हमास से युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया और हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार अपनी बेटी को हमास की तरफ से लड़ने के लिए गाजा भेजा जाएगा। ये सुनिए क्या कहा है हिमंत बिस्वा सरमा ने। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपना दिल से प्यार करता है, इसके लिए हमें कोई सबूत का जरूरत नहीं है। खुद वाजपेयी जी ने यह प्रदेश बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था और ये प्रदेश और बीजेपी का सम्मान माँ और बेटा का है, हमें कहीं भूलना नहीं है। आप लोग माँ है, बीजेपी आपका बेटा है और ऐसे ही हम आगे बढ़ेगा, ऐसा ही हमारा संकल्प है।